YouTube चैनल। माय नेम इज ऋषिका वर्मा। मैं आपको 10th क्लास का केमिस्ट्री साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया था, उसके मैंने 3 टॉपिक्स भी खत्म कर दिए थे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो और जो आगे पढ़ेंगे अगर आपको आगे का पढ़ना है तो आपको थोड़ा पीछे समझना होगा, तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देखिएगा। मतलब पिछले जितने भी 2-3 वीडियो हैं मेरे, आप देखिए, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। और फिर आज हम 4th टॉपिक लेने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे बेसिकली ये 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट होती है अपनी, सो स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। देखिए मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारी 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली होती है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड होती है कॉम्बिनेशन, थर्ड होती है डीकम्पोजिशन, फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और 5 होती है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इनका मतलब मैंने आगे पीछे लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन रिएक्शन होती है, वो अपना काम किस तरीके से रहती है वो हमको अब पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप डिस्प्लेस से क्या समझते हो, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या लेके डिस्प्लेसमेंट से हटाना या फिर खिसकाना, है ना, यही होता है ना। डिस्प्लेस यानी कि जगह से थोड़ा सा खिसका देना, उसको पूरी तरीके से हटाना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आगे की तरफ या पीछे की तरफ से शिफ्ट कर देना, तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसका लिटरली मीनिंग तो यही है, बाकी मैं आपको एक बार बुक के हिसाब से बता देती हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है जैसे कि Fe, इसकी बता रही हूँ, ओके। पहली है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, हम सीधा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हमें डेफिनेशन में इतना बस आपको ये लिखना है कि जो सब्सटेंस है वो बना, जब हमारा न्यू जो दो रिएक्टेंट्स है वो जब नया कंपाउंड बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसमें क्या किस चीज का डिसबैलेंस या डिस्प्लेस होता है, वही वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए Fe हमारा क्या है, आयरन, मतलब क्या है ये सॉलिड है, प्लस CuSO4, ये क्या है अपना एक्वस सॉल्यूशन है, जिससे क्या बनेगा हमारा FeSO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, प्लस जो हमारा बाहर आएगा क्या होगा, सॉलिड होगा। देखिए अब आप, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता हो तो मैंने आपको ये सारी चीजें पहले बता दिए थे, इनके नाम, इनके केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। Fe आना, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, ठीक है। आयरन इज अ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, कॉपर और SO4 यानी होता है सल्फेट। आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा वो, आयरन सल्फेट, और क्या, और कुछ दिख रहा है क्या, आयरन सल्फेट बनाएगा और अलग क्या कर देगा, कॉपर, ठीक है, अलग कॉपर कर देगा। आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो ये हमारा आयरन है वो कहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ गया, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेस यानी कि थोड़ी सी अपनी जगह से खिसकना, ठीक है। द आयरन हैज रिमूव्ड, नहीं, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन है वो किसके, जो आयरन है वो उठ के कहाँ चला जाता है, मतलब SO4 यानी कि CuSO4 के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, FeSO4। तो ये जो अपनी जगह उसने चेंज करी, जगह मतलब हटा तो नहीं ना वो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से वो पूरी तरह चला गया क्या, नहीं, वो है, वो कहाँ है, SO4 के साथ रिएक्ट करके यहाँ और कॉपर उसने अलग कर दिया, ठीक है। तो यही अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक्वस सॉल्यूशन दो जो केमिकल होते हैं उनका मिक्सचर जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखो यहाँ कॉपर एक अलग होता है और सल्फेट अलग होता है, सल्फेट यानी कि SO4
सोडियम के केमिकल बनता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। Fe सिंपल ही है, मतलब सॉलिड है वो। ओके, लोहा, आयरन यानी लोहा है ना, तो ये अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम सेकंड रिएक्शन कौन सी है, तो हम सेकंड रिएक्शन लेने जा रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बची हुई चार रिएक्शंस और पढ़नी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें।